हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको व्हाट्सएप के कुछ नए अपडेट फीचर्स और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बीच में छोड़कर कहीं जाएगा मत। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर किसी का बर्थडे, एनिवर्सरी या और कुछ भी है तो आप उसको विश कैसे करते हैं? बस ऐसे ही लिख के भेज देते हैं, उसको दिखने में इतना अच्छा नहीं लगता। तो आज से आप ये ट्राई कर सकते हैं, जिसको भी मैसेज करना है उसको बस मैसेज टाइप करके लास्ट में एक इमोजी लगा देना है। उसके बाद नीचे आपको काफ़ी सारे अट्रैक्टिव यूनिक फॉन्ट देखने के लिए मिल जाएगा। आपको जो अच्छा लगे आप भेज दो, और ये दिखने में भी कितना सैटिस्फाइंग लग रहा है। और आप अगर ऐसे ही लिख के भेजना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, इसमें भी आप एक काम कर सकते हैं, गूगल में जाके एक अच्छा सा बर्थडे विशेष शायरी सर्च करके उसको कॉपी करके कीबोर्ड के सेटिंग में जाकर डिक्शनरी में जाना है। यहाँ से पर्सनल डिक्शनरी को सिलेक्ट करके ऑल लैंग्वेजेस में जाके प्लस के आइकन को क्लिक करके उसी बर्थडे विशेष लाइन को पेस्ट कर दो। नीचे कुछ सिंबल दे देना है, जैसे एच दे दिया। अब जिसको भी विश करना है बस एच टाइप करो, ऑटोमेटिक पूरा बर्थडे विशेष लाइन आ जाएगा। अब आप सेंड कर दो, ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा और बहुत टाइम बचेगा। पहले आप व्हाट्सएप में एक बार में सिर्फ 30 फोटो या वीडियो ही सेंड कर पाते थे, लेकिन अब इसकी लिमिट बढ़ाकर 100 कर दिया गया है। अब एक बार में 100 फोटो या वीडियो एक साथ भेज सकते हैं। पहले आप किसी को डॉक्यूमेंट या फाइल पीडीएफ भेजते समय नीचे कैप्शन में कुछ नहीं लिख पाते थे, ऐसे ही डायरेक्ट भेजना पड़ता था, लेकिन अब आप डॉक्यूमेंट फाइल पीडीएफ भेजते टाइम नीचे कैप्शन में भी लिख सकते हैं। पहले व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करते समय ग्रुप की नेम और डिस्क्रिप्शन में एक लिमिट था, उससे ज़्यादा आप लिख नहीं पाते थे, लेकिन अब ग्रुप की नेम और डिस्क्रिप्शन को और अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए इसकी लिमिट और बढ़ा दिया गया है। अब जितना मर्जी उतना बड़ा लिखो। जैसे आप इंस्टाग्राम में स्टोरी लगाते टाइम उसमें लोकेशन भी ऐड कर पाते थे, उसी तरह अब आप व्हाट्सएप में भी स्टेटस लगाते टाइम उसी तरह लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए व्हाट्सएप स्टेटस में एक फ़ोटो लगाकर ऊपर फेस के इमोजी के ऊपर क्लिक करके आप यहां से लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं और यहां से टाइम भी ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में मेन फीचर्स, अब आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस में ऑडियो स्टेटस भी लगा सकते हो। जैसे आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस में फ़ोटो वीडियो लगाते थे, वैसे ही अब आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस में 30 सेकेंड का ऑडियो स्टेटस भी लगा सकते हो। आपको अपने व्हाट्सएप में जाके स्टेटस में जाके नीचे पेंसिल का आइकन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ इस रिकॉर्ड ऑप्शन के ऊपर होल्ड करके आप वॉइस रिकॉर्डिंग करके ऑडियो स्टेटस लगा सकते हो। अभी स्टेटस की बात चल रहा है तो मैं और एक ट्रिक्स आपको बताता हूँ। ये ट्रिक्स नहीं है, ये बग जैसा कुछ है, आप इसको ट्राई करके देख सकते हो। मैं स्टेटस देखते टाइम कई बार ऐसा हुआ, इसलिए मैं सोचा क्यों ना आपको भी ये बात बता दूं, शायद आपके काम कुछ आ जाए। आप अगर किसी का स्टेटस देखते हैं और उसको रिप्लाई करके अगर बैक आ जाते हैं तो आप देखना उसकी स्टेटस की ऑडियो बैकग्राउंड में भी बजेगा, आप ट्राई कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।